देश के प्रधानमंत्री के सफलतापूर्वक 7 साल पूरे करने पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं समेत सोलन की आम जनता ने भी रक्तदान किया। गौरतलब है कर्फ्यू के चलते रक्तदान शिविर आयोजित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते सोलन अस्पताल में रक्त की बेहद कमी हो गई थी। भाजयुमो जिला अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री ने अपने 7 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जिसके चलते वे आज जश्न मना सकते थे, लेकिन भाजयुमो जश्न में नहीं बल्कि सेवा में विश्वास रखती है। इसके लिए आज सोलन वासियों की सेवा के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला द्वारा रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, ये मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर किया गया है। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर हमने किसी भी तरह का जश्न नहीं मनाया, हमने एक सेवा का कार्य किया है। हमने युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 50 यूनिट ब्लड युवा मोर्चा के माध्यम से आज डोनेट किया जाएगा और 7 वर्ष पूरे होने पर मैं मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और पूरा हिमाचल का युवा और सोलन जिला का युवा मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, क्योंकि जितने भी कार्य मोदी सरकार ने 7 वर्ष में किए हैं, पिछले 70 वर्षों में उतने कार्य नहीं हुए हैं जितने 7 वर्षों में मोदी सरकार ने किए हैं। मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद के आज सफल 7 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और जिस तरह से इन 7 वर्षों में चाहे आम जन से संबंधित मामले हों, चाहे वो राष्ट्रहित के मामले हों, चाहे वो राष्ट्रहित में लेने वाले कड़े और बड़े निर्णय हों, उसमें एक उदाहरण पेश करते हुए आम जनता का सहयोग आशीर्वाद और उनका समर्थन लेते हुए सफलतापूर्वक 7 वर्ष कंप्लीट किए हैं, इसके लिए मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सोलन जिला की युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पे ये आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़ कर युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं और इस नेक काम में अपना योगदान दे रहे हैं।